वेबमीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है जो मुंबई से आए हुए हैं कुलदीप देसाई जी, जिन्होंने यहाँ पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो उनके पीए भी रह चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे सूरत में और हमारे चैनल में भी आपका स्वागत करते हैं जी। तो आज आपने ये जगजीत जी के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। जगजीत जी के साथ में तो मेरा ताल्लुक करीबन 28 साल जैसा रहा, और जब वो थे तब तो मैं उनका सारा काम करता ही था जी। मगर उनके जाने के बाद में मेरे पास में कोई काम बचा नहीं था, तो मैंने ये काम अपने आप उठा लिया कि इतने बड़ी हस्ती है तो लोगों को उनकी यादें, उनके दिल में यादें जिंदा रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं हर साल उनकी उनकी या तो उनकी बर्थडे हो या उनका निर्वाण दिन हो, जो जो कि 10 अक्टूबर को है, मगर वो ये जो वीकेंड है देखते हुए हमने आज किया है। तो पिछले 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं वो है कागज की कश्ती करके, जगजीत जी के ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है, इट्स अ फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री। ये उन लोगों के लिए है जो जगजीत जी को वैसे जानते थे एज ए आर्टिस्ट, उन्होंने उनकी गजलें सुनी थी, मगर उनकी उनकी जो दिनचर्या है, वो उनका जो जीवन है, उन्होंने कहाँ कैसे ये लेवल तक ये पहुँचे, वो सारी बातें उन्होंने अपने मुँह से बताई हैं और कुछ दूसरे लोगों ने बताई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी उनके फैन हैं उन तक ये सारी बातें पहुँचे। तो अब की बार मैंने एक नई चीज़ ये की है कि मेरे साथ में पारसनाथ जी हैं, जो कि इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ्लोटिस्ट हैं, और नरेंद्र सारस्कर जी हैं। ये दोनों ने जगजीत के साथ में बहुत लंबा सा बिताया है एज अ म्यूजिशियन, एज ए कंपनी आर्टिस्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से कुछ सेवा ली जाए। तो सूरत के लोगों को कुछ नया देने के लिए मैंने अब की बार स्क्रीनिंग के साथ में इनका एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी रखा है, ताकि लोगों को कुछ नई चीज़ मैं दे सकूँ। और ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा अपनी तरफ से, मैं जो भी कर पाऊँगा कि जगजीत जी की याद हम सब के बीच में जिंदा रहे। हमारे लिए तो है ही, मगर जो कॉमन लोग हैं वो भी जाने कि वो क्या हस्ती थे। मैं पारस बोलूंगा कि वो भी दो शब्द बोले। हाँ बिल्कुल, पारस जी और जो उनके साथ जो आपके नरेंद्र जी भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत मतलब थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ऐसी बात करेंगे कि जगजीत जी को जो भूल गए हैं उनके लिए वो मतलब ताजा उनकी याद हो जाए। भूले तो नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जिनके मन में कुछ अगर है तो वो ऐसे है कि जगजीत जी को कोई भूल नहीं सकता है। मैं नहीं भूल सकती हूँ ऐसा हम बोल सकते हैं। और उनकी उनके जो उनकी जो गाई हुई गजलें हैं आज भी हम लोग सुनते हैं तो ऐसा मतलब सुकून मिलता है सुनने के बाद में। तो ऐसे ही तो आपने उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, तो आप उनके बारे में हमको उनमें अपने पिताजी दिखते थे, इससे ज्यादा और कुछ बोलना कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गजल उनके बाद मैंने किसी के साथ नहीं बजाई। आई लेफ्ट दैट जॉब, नाउ दैट आई एम प्लेइंग फॉर बॉलीवुड एंड रियलिटी शोज, बाकी सब फिजन कॉन्सर्ट, ये काम नहीं किया। उनके अलावा हमारे 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 अंदर वो हिम्मत ही नहीं की और कहीं जाके गजल किया है। और अंकल ने जो हमको उनकी वजह से बहुत बड़ा एजुकेशन, म्यूजिकल एजुकेशन मिला, सबको इंस्पिरेशन मिला। और मेरे ख्याल से मिठास का दूसरा नाम जगजीत जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे भी आपका नाम सर पारसनाथ जी, आपने भी जगजीत जी के साथ बहुत सारा समय बिताया है, तो आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करिए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मुझे बहुत फख्र है और बहुत ही खुशी है कि आज के इस मुबारक दिन में मैं ये बात शेयर कर पा रहा हूँ आपके माध्यम से कि जगजीत जी तक पहुँचने का जो एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम रहा है वो कुलदीप जी रहे हैं। मैं बड़ी प्यार से पापा जी बोलता हूँ। मुझे भी आज वही बोलना पड़ेगा कि कुलदीप जी की वजह से मुझे आज ये शो देखने को मिलेगा। सो मैंने जो जो प्यार, जो भक्ति
जो शिद्दत से मैंने देखी है कुलदीप जी की जगजीत जी के लिए, वो शायद एक शब्दों से बयान नहीं हो सकती। और वैसा ही प्यार कैसे करते हैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ और इतने बड़े मतलब जगजीत जी का जो नाम है, जैसा नाम है वैसे ही उन्होंने काम किया, जग को जीत लिया और हम सबको अपने रंग में रंग दिया। सही बात। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा, इस जीवन का सबसे बड़ा यही एक काम हुआ कि मैं कुलदीप जी के माध्यम से उनके साथ कुछ गोल्डन मोमेंट्स में उनके साथ बिता पाया और उसी के वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कुलदीप जी ने मुझे याद किया है और यामिनी जी आप इंटरव्यू भी ले रही हैं तो इसके लिए रियली आई एम सो सो ग्लैड। और सूरत के जो श्रोतागण है वो इतने सुने, ये हमारा जो चैनल है वो सूरत के लिए नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड चैनल है, तो पूरे देश में जाएगा ये आपका इंटरव्यू। खैर अब बहरहाल अभी हम यहाँ पे हैं तो मैं इसलिए इस शहर का नाम लिया, इस ऑडिटोरियम का नाम लिया, क्योंकि ये लोग इतने प्यार से इतने इस अपने शेड्यूल को समय निकाल के आज सुनने आए हैं, हमारे प्यार बांटने आए हैं। तो दिस इज इनका प्यार जो है उससे प्यार जो सीखना होता है ना कि ये इस तरीके से प्यार करते हैं, तो वो हमें दिखाई देता है कि एक शिद्दत से प्यार कैसे किया जाता है। तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज ये इस मंच में परफॉर्म करने वाला हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवॉल्विंग मी इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू वी मिस यू अंकल, वी लव यू ऑल द बेस्ट। हम सब मिस कर रहे हो जगजीत जी के जो कुछ गाने हैं, क्लोज टू माय हार्ट का जो एल्बम है, हमारे लिए क्लोज टू माय हार्ट जी बहुत ही बढ़िया। हम थोड़ी ही देर में प्रोग्राम हम देख रहे थे, मतलब अभी सुनेंगे भी और आप सब हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा लाइव ये प्रोग्राम देख भी सकोगे। ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ये प्रोग्राम ज़रूर से देखिएगा। और कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा हमें आपको मौका दिया और हम हमारे चैनल के माध्यम से आप जो जगजीत जी के लिए दो शब्द आपने जो भी कहे वो बहुत ही अच्छे थे और हमें भी वो बहुत प्यारे लगते थे, उनके जो गजल से वो हम हमेशा सुनते हैं और आज हम लाइव सुनेंगे, बहुत ही मजा आएगा और आप सबको भी मजा आएगा। देखते रहिए एग्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।